सीएम अरविंद केजरीवाल ने अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आते ही चीन को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने पूरे चुनावी माहौल को बदल कर रख दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अरविंद केजरीवाल के मन में क्या चल रहा है और ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि चीन पर केजरीवाल की स्ट्रेटजी मोदी की गारंटी की काट साबित हो सकती है। इसी बीच केजरीवाल का जेल से बाहर आना बीजेपी के लिए सिरदर्दी बन चुका है। पहले पीएम मोदी की उम्र को लेकर दावा ठोकने के बाद अब दिल्ली के सीएम मोदी की गारंटी की काट लेकर आ गए हैं। लंबे समय बाद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आम आदमी पार्टी की 10 गारंटियों का ऐलान किया है और कहा है कि ये 10 गारंटियां इंडिया अलायंस की सरकार बनने पर पूरी की जाएंगी। केजरीवाल की 10 गारंटी की बात करें तो इसमें देश में फ्री बिजली उपलब्ध कराना, मुफ्त पढ़ाई के तहत सरकारी स्कूल में प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर शिक्षा देना, देश के हर नागरिक को मुफ्त इलाज मुहैया कराना, अग्निवीर योजना बंद करना समेत अग्निवीरों की नौकरी पक्की करना, इसके अलावा दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाना समेत 1 साल में 2 करोड़ नौकरियां, जीएसटी में सुधार जैसी बातें शामिल हैं। लेकिन इन 10 गारंटियों में सबसे अहम बात चीन को लेकर कही गई है जिसकी अब सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है और कहा है कि मोदी सरकार चीन से अपनी सीमा को सुरक्षित रखने में नाकाम साबित हुई है। यही नहीं, केजरीवाल ने वादा करते हुए कहा है कि इंडिया अलायंस की सरकार बनने पर वे चीन के कब्जे वाली जमीन को वापस लाएंगे, साथ ही साथ सेना को पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी। राष्ट्र सर्वोपरि, हमारी चौथी गारंटी। चीन ने हमारे देश की जमीन पर कब्जा कर लिया। हमारी केंद्र सरकार से जब भी पूछा जाए वो कहते हैं कोई नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, सैटेलाइट का जमाना है, सबके पास तस्वीरें हैं कि किस तरह से चीन ने हमारी सरजमी के ऊपर घुस के और उसके हमारी जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया। झुठलाने से समस्या का समाधान नहीं होगा, लोगों से छुपाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। हमारे देश की सेना के अंदर बहुत ताकत है, हमारे देश की सेना को एक बार इजाजत तो दीजिए, उसको स्वतंत्रता तो दीजिए काम करने की, वो देखिए आप तो जीत के लाती है। तो हमारे देश की जितनी जमीन पे चाइना ने कब्जा किया हुआ है उस जमीन को चाइना के कब्जे से छुड़वाएंगे। इसके लिए एक तरफ डिप्लोमेटिक लेवल पे एफर्ट्स किए जाएंगे और सेना को पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी कि वो इसके बारे में जो कदम उठाना चाहे कदम उठा सकती है। अब एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल अपनी 10 गारंटियों के जरिए बीजेपी को चुनौती देने का दम भर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने पूरे मुद्दे पर दिल्ली के सीएम को आड़े हाथों लिया। ऐसे देश के दुश्मन जो देश को तोड़ने की बात करते हैं उनसे 16 मिलियन डॉलर चंदा लेते हैं, 2017 में उनके घर जाके ठहरते हैं, जो देश के एक सूबे को अलग करने की बात करते हैं, इनके लिए ये राष्ट्र का महत्व है। उसके बाद इन्होंने देश के जवानों की बात की है, और जहाँ तक देश के जवानों की बात है, जो मुख्यमंत्री देश के जवानों की शहादत पर सबूत मांगता हो, ऐसे मुख्यमंत्री के मुंह से जवानों का नाम लेना मुझे शर्मिंदगी लगता है। मुझे लगता है कि वो धोखा दे रहे हैं देश को। देश के किसानों की बात उन्होंने की है कि मुझे किसानों का बहुत चिंता है उनको, तो मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली में पिछले 10 सालों में आपने किसानों को किसानी का दर्जा क्यों नहीं दिया, बताइए। जितने भी आंधी अधड़ आते हैं, जितने भी पीछे इन्होंने मुआवजे की घोषणा की है, आज तक किसी एक किसान को मुआवजा दिया हो, बिल्कुल नहीं दिया। दिल्ली के किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए हरियाणा और यूपी जाना पड़ता है क्योंकि दिल्ली में टैक्स इतना लगता है, लेकिन नहीं, ये किसानों की चिंता करते हैं। दिल्ली को पूर्ण राज्य दर्जा देने की बात कर रहे हैं, जबकि माननीय हाईकोर्ट से भी साफ साफ क्लियर हो गया कि जो विभाग केंद्र सरकार के पास है केंद्र के पास रहेंगे, और दिल्ली के पूर्ण राज्य की संभावना को तो उन्होंने उस दिन खत्म कर दिया था जिस दिन 26 जनवरी से एक दिन पहले ये जाके राजपथ पर धरने पे बैठ गए थे। बता दें कि अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत पर जेल से रिहा किया गया है। जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल अपनी पार्टी के लिए जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं 1 जून को 7वें और आखिरी राउंड की वोटिंग के बाद उन्हें फिर से सरेंडर करना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन।